बिल्कुल सही वीडियो चुना है दोस्तों आपने। आज मैं पैशन प्रो या फिर आप किसी भी सिंपल बाइक के एग्जॉस्ट साउंड को बिल्कुल केटीएम के एग्जॉस्ट साउंड की तरह बना सकते हैं, वो भी कुछ फालतू पड़े चीजों से। बस तीन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, एक खाली पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये ज्यादा बड़ी नहीं हो नहीं तो साउंड अच्छे से नहीं आएंगे। ये मैंने 160 ml वाला बॉटल लिया है, एक हमने लगभग 2 फीट का एल्युमिनियम वायर लिया है और एक हमने प्लास लिया है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ऑडियो तो बहुत लोगों ने बनाया है लेकिन मैं आपको मैक्सिमम साउंड निकाल करके बताऊंगा कि किस तरह से सबसे अच्छा एंगल होता है इस बॉटल को प्लेस करने का। तो फ्रेंड्स, इस वायर को इस एग्जॉस्ट में बांधने का भी एक तरीका होता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट थोड़ा सा उठा हुआ है, साइलेंसर थोड़ा सा उठा हुआ है, इसके बाद में ही आपको इस वायर को बांधनी है और साथ ही साथ जो हमारा नॉट बनेगा वो आपको ऊपर की तरफ बनेगा, साइलेंसर के बिल्कुल ऊपर में बनेगा, वरना आपको सही एंगल नहीं मिलेगा। अब आपको फंसाने के बाद में इस प्लास की मदद से मैं इसे जो है वो टाइट कर दूंगा। दूसरा और सिंपल स्टेप है, आपको इस बॉटल को सिंपली जो नेक है बॉटल का उस पे इस वायर को लपेटना है। आपको 1 से 2 बार इस बोतल को लपेटना है वायर में। और अब हम लोगों को क्या करना है कि ये हमने इसके ऊपर में नॉड लगाया था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बोतल के भी ऊपर में ही नॉड इस तरह से होना चाहिए, तब भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम लोग बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस बोतल को ऐसे एंगल पर सेट करते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम साउंड निकले। फ्रेंड्स, बस एक बात का ध्यान देना है कि ये जो बॉटल है ये पूरा सीधा नहीं रहना चाहिए, हल्का से ये टिल्ट रहना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम आवाज जो है वो निकल पाएगा। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये हमारे बाइक का नॉर्मल साउंड है और ये साउंड है जो KTM ट्यूब का आ रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक देना ना भूले। फिर मिलते हैं, तब